से रोहिणी आचार्य को माँ बहन की गाली दी गई, वो आपकी भी बहन और बेटी है, गोलियां लगी है, उसके परिवार को 5 लाख रुपया मेरी ओर से जाएगा। मैं कल आऊंगा, बीजेपी के उस्काने पर गोली चलाकर छात्रों को मारा, 2 लोग मर गए। बिहार के मुखिया से कि मुख्यमंत्री जी सत्ता आज है कल नहीं रहेगी, सियासत आती है जाती है, चुनाव आएगा जाएगा, हम सबको यहीं रहना है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में 5वें चरण के मतदान के बीच छपरा में बवाल हुआ। देखिए, सारण लोकसभा सीट पर कल मतदान चल रहा था, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प देखने को मिली, जिसके बाद गोलियां चली, खूब ठाए ठाए हुआ। 3 लोगों को गोली जाकर लगती है। आनन फानन में कई लोगों को पटना के PMCH अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। रोहिणी आचार्य मिलने के लिए PMCH जाती हैं, आप बीती उन पीड़ितों के द्वारा सुनाई जाती है। मगर इस बीच कांग्रेस के नेता पप्पू यादव रोहिणी आचार्य के लिए हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं, प्रशासन से बड़ी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को भीतर ठेलिए, ऐसी साजिश करने वालों को लाल घर भेजिए। साथ ही कांग्रेस के नेता पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है, पीड़ित परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव खूब गुस्से में है, राजीव प्रताप रूडी को खूब सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य आपकी भी बहन है, आप भी पहले इसी पार्टी में थे, आपकी भी उत्पत्ति इसी पार्टी से हुई है और आज आप लोगों के द्वारा गाली बकी जा रही है। रोहिणी आचार्य को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। कांग्रेस के नेता पप्पू यादव खूब गुस्से में लाल हो चुके हैं और बड़ा ऐलान कर रहे हैं, 5-5 लाख देने को तैयार है पप्पू यादव, क्या कुछ कह रहे हैं, हाथ पैर जोड़ने को भी तैयार है। जरा इस वीडियो में सुनिए। और आपको आलोचना करनी चाहिए थी रूडी जी, कल जो घटना घटी और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य को माँ बहन की गाली दी गई, वो आपकी भी बहन और बेटी है, आप भी राष्ट्रीय जनता दल में ही थे रोहिणी जी, आपकी राजनीति शुरुआत भी लालू यादव के साथ, एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही थाली के पहलू हैं ना आप लोग, फिर समाज को क्यों बांटते हैं, फिर आम आदमी शिकार क्यों होता है, फिर चुनाव में गाली गलौज क्यों होता है। रोकिए छपरा के तनाव को, मैं हाथ जोड़ता हूं यादव समाज से, प्रतिक्रिया से बचिए, पैर पकड़ता हूं, गोलियां लगी है, उसके परिवार को 5 लाख रुपया मेरी ओर से जाएगा, मैं कल आऊंगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि कानून काम करेगी, 302 ट्रायल होगा, हम समाज के साथ मरते दम तक खड़े रहेंगे, लेकिन विभाजनकारी तरीके से नहीं। जो भी कमजोर समाज के लोग हैं वहां, जो डरे हैं, उसे डरने की जरूरत नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से हम विरोध करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, ना कोई मेरा समाज ना कोई यूथ करे, विरोध हो प्रदर्शन हो, जो घटना घटी है वह माफी के जोग नहीं है, मर्डर से ज्यादा कल बड़ी घटना थी, जब समाज को जाति सूचक गाली दिया जा रहा था, 2 आदमी की हत्या हो सकती है, लेकिन जब समाज प्रेरित हो जाता है, परेशान होता है, तो वो बड़ी घटना बन जाती है। कल की घटना, मुझे डर था कोई बड़ी घटना ना घट जाए, और आज कॉलेज जाने वाले 3 बच्चों को
घर पर से मंचरूप लोगों ने जिस तरीके से बीजेपी के उसकाने पर गोली चलाकर छात्रों को मारा, दो लोग मर गए, एक लोग सीरियस है, तीनों बैकवर्ड समाज से हैं, कमजोर तबके के बच्चे हैं, और दो लोगों को गोली लगी। इसके लिए नेता जिम्मेदार है, पब्लिक नहीं। माफिया गुंडा होगा, पार्टी का वर्कर हो सकता है, इससे जात नहीं आता है कहीं। इसलिए जो लोग कल गाली गलौज किए, रूडी जी इसको रोकिए, और मैं पूरे छपरा के हर समाज से कहूंगा कि घटना बड़ी ना हो। अभी 10 दिन लगातार चुनाव बाकी है, इसका रिपरकेशन अन जगह पर ना जाए, लोकतंत्र कमजोर ना हो, भय का वातावरण बनाने का प्रयास ना हो। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, जब लगातार आप चुनाव हार रहे हो तो समाज पर बांटना और भयादोहन करना यह सही नहीं है। इस बिहार के सारे 13 करोड़ जनता को जीने दीजिए। छपरा अमन पसंद रहा है, जेपी राजेंद्र बाबू की भूमि रही है, भिखारी ठाकुर हिंदी के शेक्सपियर की जमीन रही है, उसे अमन चैन पसंद है, उन्हें शांति प्रिय वातावरण चाहिए। मैं फिर कहूंगा, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो, कुर्की हो, 302 के मुकदमे लगे, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल हो, और इसकी आलोचना कल की घटना और सभी समाज को करना चाहिए। उच्च स्तरीय इंक्वायरी हो, जो लोग कल से आज तक इस वातावरण को फैलाए हैं उन पर केस करके जेल भेजा जाए, और नेता लोग ऐसे चीजों से बचे। पुनः एक बार प्रशासन से आग्रह करेंगे और बिहार के मुखिया से कि मुख्यमंत्री जी, सत्ता आज है कल नहीं रहेगी, सियासत आती है जाती है, चुनाव आएगा जाएगा, हम सबको यहीं रहना है, हमें जीने देना चाहिए और समाज को अपने तरीके से बढ़ने देना चाहिए। छपरा डरी हुई है, छपरा में वातावरण सही नहीं है, हम लोग अपील करें कि छपरा के वातावरण को शांत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना है कांग्रेस के नेता पप्पू यादव को, पप्पू यादव का ये गुस्सा आपने पहले भी देखा है, और पप्पू यादव अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं मगर खूब गुस्से में लाल है। देखिए, रोहिणी आचार्य के समर्थक यानी राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कल जो है भिड़ जाते हैं, गोलियां चलती हैं, 3 लोगों को जाकर गोली लगती है, जिसमें से एक व्यक्ति की गोली जो है सिर में लगती है। आनन फानन में PMCH में भर्ती करवाया जाता है, उसको रेफर किया जाता है, और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब बड़े बड़े नेताओं के द्वारा बड़ी बड़ी टिप्पणियां की जा रही हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मेरी बात प्रशासन से हो रही है, इधर पप्पू यादव ने भी कह दिया है कि हम प्रशासन से और बिहार पुलिस से और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जल्द से जल्द एक्शन हो, स्पीडी ट्रायल हो, और जल्द से जल्द इन लोगों को भीतर भेजा जाए। इस साजिश के पीछे कौन है उसका उजागर बिहार पुलिस करे और जल्द से जल्द इन लोगों को लाल कर भेजा जाए। बहरहाल, पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान किया है, 5-5 लाख देने को तैयार है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।